नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमिक। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर अपना अस्तित्व नहीं जमा सकती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और सरल विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग कर्जे में डूब चुके हैं, जिन लोगों के यहाँ पैसे की आवक नहीं हो पा रही है, या फिर वो लोग जिनके यहाँ पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं, व्यर्थ का खर्च हो जाता है। ऐसे भी लोग जिनके घर में आपस में कलह, कंकास, द्वेष, लड़ाई, झगड़े परिवार में अंदर अंदर चल रहे हैं, और जिस परिवार में आंतरिक द्वंद चलता हो, अंदरों अंदर लड़ाई झगड़े द्वेष चलता हो, उस परिवार को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब जहां अंदर अंदर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से सहमत नहीं है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कलह कंकास हो रहा है, वहां विपत्ति ही आएगी, वहां नकारात्मक शक्ति ही आएगी, सकारात्मक शक्ति वहां प्रवेश नहीं करेगी। मतलब कोई देवी देवता उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, वहां आसुरी शक्तियां ही आएंगी, और धीरे धीरे करके वो परिवार नष्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल आपको इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत आसान उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और उसको शेयर अवश्य करें, जिससे किसी भी जरूरतमंद का अगर भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये क्रिया आप किसी भी शुभ दिन कर सकते, और अगर आपको तकलीफ ज्यादा है या बहुत परेशान हैं आप, तो फिर आप इस क्रिया को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए किसी शुभ दिन को देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये क्रिया आपको करनी है रात को जिस समय आप सोने जाते हैं। आप जब भी सोने जाएं, रात का खाना वाना खा के सारी क्रिया से निवृत्त होके जब आप अपने बेड पे सोने जाएं, उस समय आपको एक स्टील के ग्लास में पानी ले लेना है, स्वच्छ पानी, और वो पानी आपको उतना लेना है जितना पानी आप पी सकें। पानी ग्लास को मुंह से लगा के पीना है, ग्लास जूठा हो जाना चाहिए दोस्तों, ऊपर से पानी नहीं पीना है, ग्लास को मुंह से लगा के और पानी पीना है। पानी पीने के बाद उस ग्लास को आप अपने बेडरूम में उल्टा रखें, और उल्टा रख के आपको दो कपूर की गोटी ले लेनी है, उल्टे ग्लास के ऊपर दो कपूर की गोटी रखें और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कब करनी है, जब आप कपूर जला दें, माचिस की तिल्ली से आप उस कपूर को जला दें। कपूर को जलाते समय आप पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह रखें, आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और आप उस कपूर को जलाते हैं और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है
कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आप पधारो और स्थायी रूप से निवास करो, बस, और कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, आपके घर से कलह, कंकास, नकारात्मक शक्तियां अगर आपके साथ भी हैं तो वो भी, घर में भी कहीं हैं तो वो भी, सारी नकारात्मक शक्तियां आपसे घर से पलायन कर जाए। जो भी टोना टोटका भूत प्रेत किसी का भी साया होगा वो सब वहां से अपने आप निकल जाए और देवी शक्ति का आपके घर में आगमन होगा। उसके साथ साथ माता लक्ष्मी का आपने आवाहन किया है कपूर जला के, तो कपूर की खुशबू या कपूर का उपयोग जहां भी होता है, माता लक्ष्मी अपने आप को वहां आने से रोक नहीं पाती। जलाने के बाद आप आराम से अपने बेड पे सो जाएं। दोस्तों, उसी रात आपको आभास होगा, कुछ न कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी है और आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, वो आपका जो काम वर्षों से नहीं हो रहा है वो काम भी होगा, और आपके बिजनेस है या सर्विस है उसमें आपकी दिन पर दिन तरक्की होते चली जाएगी, और पैसे का आपके यहाँ चारों तरफ से आवक शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपका धन स्थान पैसे से भर जाएगा और आपके जितने भी दुख तकलीफ हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है। ये क्रिया करते समय दोस्तों श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर किसी भी क्रिया में विश्वास नहीं है तो आपको उस क्रिया को करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो क्रिया आपके लिए है भी नहीं। उसको अगर करेंगे भी तो उससे आपका कोई काम नहीं होगा, इसलिए जो होगा वो आपकी मन की शक्ति से होगा। कितनी वीडियो में हमारे कमेंट आती है, कुछ लोगों ने पहली बार किया उपाय और उनका अटैक से काम हो जाता है, कुछ लोगों ने तीन तीन बार किया और उनका कोई काम नहीं बनता है। तो उसके लिए आपके अंदर की शक्ति, आपका मन, उनका उस पर श्रद्धा होना और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें बस। नमस्कार दोस्तों।